मैं डॉक्टर बी डी रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज भांदीकुई दौसा, प्रिय विद्यार्थी हो। हम पुनः नीति शतकम के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें श्लोक है जिसका मैं आपके सामने उच्चारण कर रहा हूँ। उसमें उस जो श्लोक में उच्चारण करने जा रहा हूँ उसमें विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है। वो श्लोक है जो नीति शतक का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें ये जो श्लोक है वो इस प्रकार है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन है पशु। इस प्रकार विद्या से विहीन व्यक्ति पशु है, जैसे हम पिछले श्लोक में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाण है, तृणम न खादन्नपि जीव मान तद्भागदेव परमम पशुनाम। ये इस प्रकार एक श्लोक और है, वो है, येषाम विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म ते मर्ते लोके भूभारभूता मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। जो जो इस प्रकार जो है पशु के की और मनुष्य की काफ़ी श्लोकों में तुलना की गई है महाकवि भर्तृहरि के द्वारा, इससे जो श्लोक है उसमें विद्या का विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है, अर्थात विद्या का क्या महत्व है वो इस श्लोक में बताया गया है। इसका पदच्छेद है, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। अन्वय है, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधुजन विद्या परमम देवतम, विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम की जो वस्तु है, विद्या अर्थात ज्ञान है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, सोचने समझने की जो शक्ति है वो ज्ञान है। इस ये जो विद्या नामक जो ज्ञान है वो नरस्य मनुष्य का अधिकम बहुत ही अधिक अच्छा है। विद्या ही मनुष्य का बहुत ही सुंदर और अत्यंत गुप्त धन है, विद्या ही सब कुछ है। तो विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम बहुत अधिक सुंदर लगने वाला रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम जो छुपा हुआ धन है, जो गूढ़ रूप से जो उसने ले लिया है, वो ऐसा ज्ञान है जिसको कोई देख नहीं सकता, केवल बोलने में ही उसके गुणों का उसके ज्ञान का अभिव्यंजन होता है, अभिव्यक्त होता है। विद्या भोग करी, विद्या विद्या जो है वो भोग करी है, वो अर्थात ऐश्वर्य को देने वाली, सुख सुविधाओं को देने वाली है। विद्या है तो व्यक्ति कहीं भी बाहर जा कर के कमा के खा सकता है, उससे अच्छी सुख सुविधाएं जो खरीद सकता है, इसलिए जो विद्या ऐश्वर्य को देने वाली है। विद्या अगर कहीं मान लीजिए कहीं हम मुख्य वक्ता के रूप में जाते हैं या रिसर्च पेपर पढ़ने जाते हैं, अगर आप में अच्छा ज्ञान है अच्छी विद्या है तो आपकी वहाँ भी प्रशंसा होगी। इस प्रकार जो ऐश्वर्य को देने वाली यश है सुकरी, यश और सुख को देने वाली है विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। ऐसे विद्या विदेश गमने, अगर विद्या है तो वो विद्या जो विदेश जाने पर यानी अपने शहर को छोड़ के जाने पर या अन्य विदेश जाने पर भी जो है बंधुजन है, वो जो विद्या विदेश जाने पर भाई की तरह काम करती है, भाई जैसे गाइड करता है वैसे विद्या जो है उस व्यक्ति को गाइड करती रहती है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है, बंधुओं की तरह है, विद्या परम देवतम, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या है अर्थात हमें ज्ञान है तो हम कहीं भी जो है मात नहीं खा सकते, डिफीट नहीं खा सकते, इसलिए जो विद्या जो है परम देवतम, विद्या सबसे बड़ी देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, नहीं धनम कभी भी धन की पूजा नहीं होती है, इसलिए विद्या विहीन है पशु, इसलिए जो विद्या से हीन व्यक्ति पशु तुल्य है, पशु के समान है, ये इसमें कहा गया है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है और इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार और शार्दुल विक्रीडित छंद है और विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है। अगर हम कोई विद्या के महत्व का अगर लेख आता है
तो हम उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आगे जो श्लोक है वो इस प्रकार है, क्षांति सु कविता की महिमा, अच्छी कविता की क्या महिमा वो बताया है। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम अरिभी क्रोधो अस्ति चेत हीनाम ज्ञातिश्चेत अनलेन किम यदि सूर्यदय दिव्य उदय किम फलम किम सर्पैर यदि दुर्जना किमु धनैर विद्या नवद्या यदि विरडा चेत किमु भूषणम भूषणई सु कविता यद्यस्ति राज्येन किम। तो पदच्छेद इसका क्षांति ही च एकत्व वचनेन किम अरिभी क्रोधो अस्ति चेत इनाम ज्ञातिश्चेद अनलेन यदि किम यदि सुरिद दिव्य ओषधे किम फलम किम सर्पय यदि दुर्जना किमु धनैर विद्या नवद्या यदि विरडा चेत किमु भूषण सु कविता यद्यस्ति राजेन किम। इसका जो अन्वय इस प्रकार है, देहिनाम क्षांति चेत कवचेन किम क्रोध अस्ति चेत अरे भी किम ज्ञाति चेत अनलेन किम यदि सूर्योदय दिव्य उदय किम फलम यदि दुर्जना सर्पय किम यदि अनवध्या विद्या धने किम विरडा चेत भूषणे किम यदि सु कविता अस्ति राजेन किम। इस श्लोक में ये कहा गया है। अब ये श्लोक है, ये कह रहे हैं कि इसमें जो है क्षमा मित्रता आदि की अपेक्षा सु कविता विद्या का अतिशय महत्व इस श्लोक में बताया गया है। उसका जो श्लोक अर्थ इस प्रकार है, देहिनाम क्षांति चेत कवचेन किम, अगर जो जो देहधारी हैं अर्थात जो प्राणी हैं मनुष्य हैं उनके पास उनके शांति चेत यदि क्षमा है, किसी ने कुछ कहा और आपने उसको क्षमा कर दिया, तो क्षमा है तो आपको जो है कवचेन किम कभी भी कवच की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हम जब प्रतिरोध स्वरूप कुछ बोलते हैं तो हो सकता है उससे सामने वाले व्यक्ति से झगड़ा बढ़ जाए, तो अगर हम कवच पहने हुए तो उसके लगेगी नहीं, कवच नहीं पहने तो हमारे लगेगी। परंतु अगर आपने क्षमा कर दिया तो किसी भी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, ये श्लोक में बता रहे हैं। और क्रोधस्ति, और व्यक्ति के पास गुस्सा है क्रोध है, छोटी सी बात में तिलमिला जाते हैं, गुस्से में लाल हो जाते हैं, तो आपके उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, तो शत्रु पालने से कोई लाभ नहीं है। ज्ञाति चेत, और अगर आपके पास जानकार लोग हैं, जानकार अर्थात बंधु बांधव लोग हैं, परिवार जन हैं, तो जो अनलेन किम, तो फिर आग से क्या अर्थात परिवार वाले भी आग लगा सकते हैं, वो भी जो हमारे दुश्मन बन सकते हैं, तो आग की क्या आवश्यकता है। यदि सूर्योदय और यदि सूर्यद हों अच्छे मित्र हों, सूर्योदय यदि मित्र हों तो दिव्य औषधि उत्तम औषधियों से कोई लाभ नहीं है। अगर आपके पास बहुत ही अच्छा मित्र है तो वो आपको हमेशा सद्बुद्धि देगा, सन्मार्ग पर चलाने का प्रयास करेगा, और अगर आप अच्छे मार्ग पर चलोगे तो किसी भी दिव्य औषधि की जरूरत महसूस नहीं होगी, आपको किसी अन्य डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं जिससे कि अनावश्यक रूप से टेंशन हो, और टेंशन में कई रोग जो हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिव्य औषधियों की से क्या लाभ है। यदि दुर्जना, और अगर आपके पास दुर्जन हो तो सर्पय किम, तो सांपों की कोई जरूरत नहीं है, सांप से ज्यादा गंभीर रूप से दुर्जन व्यक्ति काट लेगा। यदि अनवध्या, और यदि मान लीजिए आपके पास निर्दोष विद्या है, निर्दोष ज्ञान है, किसी कृपा का छल कपट नहीं है, तो निर्दोष विद्या है तो धने किम, तो आपको धन की कतई जरूरत नहीं पड़ती, वो विद्या आपको सब कुछ दिला सकती है, वो ज्ञान आपको सब कुछ प्रेरित करके चला सकती है आपको, और आपके जो आजीविका का साधन बन सकती है, सो धन से कोई मतलब नहीं है। विरडा चेत, अगर आपके पास लज्जा शर्म है थोड़ा सा जो है, अगर आप जो है अपने से अग्रजनों का बड़े लोगों का आदब करते हैं, तो आपको जो है क्या है भूषण की आभूषणों की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी कीर्ति वैसे ही हमारे परिवारजन फैला देंगे। तो यदि सुकविता अस्ति, और यदि आपके पास सुकविता है, अच्छी कविता है, अच्छे उपदेश भरे वचन हैं, तो जो है अच्छी कविता तो राजेन किम, तो कभी भी आपको राज्य की आवश्यकता नहीं है, वो राजा ही आपको
जो है बुला लेगा, पूछ लेगा, ये इसमें कहा गया है। इसमें अर्थापत्ति अलंकार और शार्दूल विक्रीडित छंद है। धन्यवाद।